हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी है चावलों की खीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चावलों की खीर बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.5 किलो दूध लेना है, जिसे हमने अच्छी तरीके से बॉयल कर लिया है। और हमने आधा पाव चावल का पेस्ट लिया है, जिसे हमने सारी रात भिगो कर रख दिया था। तो हमने 1 कप शुगर लेनी है। अगर आप ज्यादा शुगर पसंद करते हैं तो ज्यादा कम कर सकते हैं। आधा कप हमने ड्राई मिल्क लेना है। 10 से 12 दाने हमने इलायची लेनी है और थोड़े से बादाम लेने हैं, थोड़े से पिस्ते लेने हैं गार्निश करने के लिए। हमने एक पैन में मिल्क ऐड कर लिया है और हमने इसमें फ्रेश कुटी हुई इलायची डाली है और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। और अब हम इसमें चावलों का पेस्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे इतना पकाना है कि जब तक चावल पक जाए। और अब हम इसे मुसलसल मिलाते रहना है जब तक दूध में उबाल आ जाए। और अब हम इसे मुसलसल मिलाते हुए पकाना है जब तक मिल्क थोड़ा थिक हो जाए। आप देख सकते हैं इसमें उबाल आ रहा है। उबाल आने के बाद हमने फ्लेम मीडियम कर लेना है। देख सकते हैं मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और चावल गल चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, चावल गल चुके हैं। अब हम इसे मिलाते मिलाते शुगर ऐड कर रहे हैं 1 कप। इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। मैंने मेजरिंग कप से नापा है। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर का कोई भी कप ले सकते हैं। और शुगर को हमें अच्छी तरीके से गला देना है। और हमने जो 1/2 कप ड्राई मिल्क लिया था, अब इसमें फ्रेश मिल्क डालकर इसका लिक्विड बना लेंगे। उसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। सारे लम्स खत्म कर लेने, थोड़ा सा और मिल्क ऐड करें। हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके इसे सारे लम्स खत्म कर लिए हैं। अब हम इसे खीर में डालेंगे। अब हम इसमें लिक्विड ऐड कर रहे हैं, इसे अच्छे तरीके से मिला देंगे। और अब हमें इसे इतना मिक्स करते रहना है, इतना मिक्स करते रहना है जब तक ये थोड़ी सी थिक हो जाए और इसका कलर बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं खीर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पर रख कर ठंडा करके हम इसे डिश आउट कर लेंगे। तो खीर को हमने डिश आउट कर लिया है, अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो अब हम इसे सबसे पहले कटे हुए बारीक कटे हुए बादाम डालेंगे। बारीक कटे हुए पिस्ते डालेंगे। अब हम कोकोनट पाउडर डालेंगे। तो ये खीर तैयार हो चुकी है और प्लीज ट्राई जरूर कीजिएगा और हमें कमेंट में बताएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी हो। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर हिट कीजिएगा कि मेरी न्यू आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।